हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ ड्रैगन फ्री फायर। हम आज के एक और न्यू वीडियो के साथ, एंड गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से करने वाले गन कंपैरिजन हम फिर से करने वाले, एंड इस गन कंपैरिजन के अंदर होने वाला है स्पार्स 12 वर्सेस M1014। तो चलो देखते गाइस कौन जीतेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे हाथ में गाइस स्पार्स प्लस हमारे हाथ में भी है M1014। ठीक है, तो गाइस अभी देखने वाली बात है कि कौन जीतने वाला है ये गन कंपैरिजन का। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे K98 जीत गया था M24 से। तो सबसे पहले हम डैमेज टेस्ट देखते हैं। ठीक है गाइस, डैमेज टेस्ट स्पार्स का हेडशॉट लगता है 880 गाइस, 880। ठीक है, एंड बॉडी का डैमेज है स्पार्स का 160। ओके, ये भी ठीक है। एंड गाइस जो हमारा पैर का शॉट है, लेग शॉट, वो होता है 120। अभी हम फिर से रीसेट करेंगे डैमेज को एंड फिर देखेंगे M10 की डैमेज। ओके, तो गाइस M10 का हेड है 858। ओके, बॉडी का डैमेज है 156। ओ भाई, एंड लेग का डैमेज भाई सिर्फ 95 का है। आप देख सकते हो सिर्फ 95 का डैमेज है। तो डैमेज टेस्ट के अंदर भाई हमारा स्पार्स जीत चुका है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे स्पार्स का 1 पॉइंट हो चुका है। ओके गाइस, अभी हम लोग देखने वाले रेट ऑफ फायर का स्पीड। ओके, मैं काउंट करता हूँ। ओके, एक मिनट, अभी तो फिलहाल मैं बस प्रैक्टिस में कर लिया था। ओके, 1 2 3 4 5 6 गाइस, 6 सेकेंड के अंदर 1 2 3 4 5 गाइस M10 का 5 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो, आप लोग भी काउंट करके देख सकते हो। ठीक है, या फिर वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हो। ओके, M10 का 5 सेकंड है एंड स्पार्स का 6 सेकंड लगता है पूरी स्प्रे करने के लिए। ओके, तो गाइस इसमें M10 जीतता है। ठीक है, इसमें M10 का 1 पॉइंट हो चुका है। गाइस M10 का 1 पॉइंट है, स्पार्स का भी 1 पॉइंट है। ओके, तो गाइस अभी बारी आती है रेंज की। ठीक है, पहले मैं देख रहा था कि भाई किससे ज़्यादा अच्छा हेडशॉट लगता है। तो गाइस अभी देखो स्पार्स भाई बिना स्कोप ओपन करके मैं इतना दूर से मार सकता हूँ। ठीक है, एंड डैमेज भी ठीक ठाक लग रहा है। ओके, अभी देखते हैं भाई M10 इतने दूर से मार सकता है क्या बंदे को, लेट्स सी। गाइस अब मैं अपना M10 निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने M10 निकाल दिया है एंड भाई डैमेज तो लग रहा है पर बहुत कम लग रहा है। अगर हम पूरा स्प्रे करते हैं बंदे पे तो हम उस बंदे को मार सकते इतने फायर रेंज में। तो अभी हम थोड़ा और पीछे जाएंगे क्योंकि अभी तक बिना कोई बना नहीं इधर से। ठीक है, तो अभी हम और थोड़ा पीछे जाने वाले एंड और भी थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ। ठीक है, बिना स्कोप ओपन करके मैं अभी तक मार सकता हूँ इसको इतने दूर से, एंड M10 इसको इतने दूर से नहीं मार सकता। एंड अगर मैं स्कोप ओपन करूँगा ना भाई तो मैं इतने दूर से मार सकता हूँ स्पार्स के साथ। तो यहाँ पे स्पार भाई 100% जीतता है। ठीक है, बात की जाए M10 की, भाई M10 तो इतने फायर रेंज में लड़ ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, M10 के पास स्कोप भी नहीं है एंड स्पार्स बिना स्कोप का मैं लड़ सकता हूँ। गाइस ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ठीक है, तो इसके अंदर भाई स्पार्स जीत चुका है। अभी बारी आती है गाइस, स्पार्स इज द विनर। यस, स्पार्स इज द विनर। स्पार्स ने भाई 2 पॉइंट गेन कर लिया है एंड M10 ने सिर्फ 1 पॉइंट गेन किया है, वो भी रेट ऑफ फायर की वजह से। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, एंड गाइस स्पार्स है हमारा विनर। बाय बाय, टेक केयर।